दोस्तों विलेज टूरिज्म गुजरात के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं बोरवेल पे नहाने के लिए और यहाँ पे सारे के सारे सरसों के खेत है। कितने बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, खूबसूरत खेत है। यहाँ पे देख सकते हो आप, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सरसों की खेती है। यहाँ पे देखो, ये हमारा फार्म है और हमारे फार्म में जाने का गेट है। इस तरह से हमारे खेत में दरवाजा बनाया हुआ होता है जिसमें कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। ये कांटे है, इस तरह से पूरा इसको दरवाजा बनाया जाता है। और ये हमारा खेत का पूरा दरवाजा है, दो नीम के पेड़ के बीच में। वो बंद कर देना दरवाजा भाई, यानी कि कोई दूसरा वो जानवर ना जाए, जैसे गाय भैंस। और यहाँ पे नील गाय आती है, फिर आता है यहाँ पे वो सुअर, इस सब से बचने के लिए। छोड़ दे वहाँ पे, बस चलो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम नहाएंगे बोरवेल में, एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बाजू में हमारा सरसों का खेत है, शायद यहाँ से आपको दिख जाए, वो हमारे दोस्त का खेत है। और ये बोरडी, गुजराती में बोरडी करते हैं बोलते हैं इसको। इस पे आते हैं बोर, हिंदी में बेर। अरे वाह, इसमें बेर आया नहीं है क्योंकि इसके आने से पहले इसको हमने काट दिया था, देख सकते हो आप। और काटने की वजह ये थी कि यहाँ पे हमें गए वो बीच में आ रहा था, हम चल नहीं पाते थे इसलिए। और ये पूरा का पूरा सरसों का खेत है। यहाँ पर भी सरसों का खेत है, पर अभी लेटेस्ट उगाया है इसको, इसलिए इसमें अभी इसका ग्रो नहीं हुआ। जैसा उसका हो गया, वो येलो येलो हो चुके थे ना, वो फूल आ गए थे। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं। ये है हमारा सरसों का खेत और हम जा रहे हैं बोरवेल में नहाने के लिए। ये हमारा खेत है और ये हमारे भाई का खेत है सरसों वाला। इसमें हमने सवा, गुजराती में सवा बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जीरू और सवा वरियाड़ी ये सब उगाते हैं। तो जो हमारा घर पे खेत था वहाँ पे हमने जीरू लगाया है और यहाँ पे हमने सवा लगाया है। सवा को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे भी नहीं पता यार, आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल देना कि इसको ये बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे मेरे व्लॉग में बताया कि मेरा हिंदी बहुत वीक है, तो उस वजह से मुझे आइडिया नहीं आता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। गुजरात में गुजराती ज़्यादा चलती है, हिंदी पे कोई फोकस नहीं करता। वो मेरे भाई का ही बोरवेल है, यानी कि मेरा भाई का और हमारा और हमारे तीन भाइयों का पार्टनरशिप में बोर होता है बोरवेल। इसमें जो होता है वो हम जो भी खर्चा आता है या फिर जो भी इसमें प्रॉफिट होता है हम सब बांट लेते हैं, ऐसे ही ईयरली बांट लेते हैं। यहाँ पे मोर पीछे पड़ी हैं, ये यहाँ पे मोर भी आते हैं, कभी कभार आते रहते हैं। और पहुँच चुके हम बोरवेल में, ये फुवारा यात्रा है कुछ बोल सकते, पता नहीं है। तो चलिए नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। अरे वाह भाई वाह, ये हमारा बोरवेल है भाई, देख लो बोरवेल। और यहाँ से पानी जाता है वो किसानों के खेत में, और इसको यहाँ पे इतना ऊंचाई पे बनाने का एक ही रीज़न है कि यहाँ से पानी पूरी स्पीड से नीचे जाए। पप्पू चलो नहा पड़ो। तो अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे बोरवेल की एक एक्स्ट्रा ओरडी बोलते हैं गुजराती में, वो है। और ये बेर का ट्री, अभी भी बेर नहीं आई इसमें यार, बहुत ही बढ़िया स्पेस है यहाँ पे। रात को यहाँ पे सोना, फिर रात को पूरा प्रोग्राम होता है ना वो खाने का, उसका मैंने एक वीडियो आप अपलोड किया है तो आप देख लेना। पूरा हमने रात को जो खाना था डिनर, वो खेत में ऐसे ही वो प्याज लहसुन इकट्ठा किया था और खेत में ही पूरा बनाया था, उसका पूरा वीडियो मैंने शूट किया है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। दोस्तों आप भी आ जाओ, दोस्तों चलिए नहाने के लिए। और ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। ये मेरा भतीजा है और मैं अब इसमें कूद रहा हूँ। अरे भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है भाई साहब, जा रहा हूँ।
मजा आ गया, मजा। आप भी आ जाओ मजा लेके लिए, इंजॉय करने के लिए आप भी आ जाओ। देखो ये पानी जा रहा है इसके अंदर, इसके नज़दीक कैमरा नहीं ले जा सकता क्योंकि जैसे मैं इससे नज़दीक कैमरा ले जाऊंगा ये पूरा कैमरा खींच लेगा। फिर भी ट्राई करते हैं। हाय दोस्तों, इंजॉय कर रहे हैं बोरवेल में और थोड़ा लेंस खराब हो गया मेरा। आप भी आ जाओ, मैं और मेरा भतीजा के नहा रहे हैं और मेरा दोस्त भी अजय है पर वो भी आए नहीं अंदर, वो भी आ जाएगा। तो हम इंजॉय करते हैं और अगर ऐसा कुछ होगा आगे, मेरे पैर में रेत आ गई आई थिंक, कुछ आ गया, हाँ ऐसा कुछ है। अरे थी रुको मैं कुछ निकालता हूँ, मेरे पैर में कुछ है। अरे यार ये है, इसका इस्तेमाल होता है उस जहाँ पे पानी नहीं देना जिस किसान को, उस उनको बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और मेरे पैर में ऐसे लगा तो मुझे ऐसे लगा, क्या लगा यार ऐसा क्या आ गया, इसे लगाते ही पानी बंद हो जाता है उसमें। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, मिलते हैं आगे की एक और वीडियो में। हमने बोरवेल में बहुत इंजॉय किया, इंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर पे। इससे पहले हम दिखा देते हैं, हमारे यहाँ पे जवान भाई है मेरे दादा, जो अभी वो क्या बोलते हैं इसे, सिगरेट तो नहीं, इसे चलम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते पता नहीं, हम चलम ही बोलते गुजराती में। उसका नशा कर रहे हैं और आप कभी भी ये ट्राई मत करना क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। ओह वाह क्यों इसे चलम कितना वर्ष थी पीवा बात हमें मन के लो वर्ष मन नहीं खबर मन कितना वर्ष थी कब वी वर्ष थी पीवा 20 वर्ष थी पीवा तो कैंसल ना था कछु ना था मुंह था नहीं यू बुआ को जो ये हमारा खेत है, ये हमारा बोरवेल है और बोरवेल के नीचे ये हमारे कल्पेश भाई है बोरवेल के मालिक। जय माता जी। और ये हमारी भाभी जी है जो चाय बना रही है। और चाय की सारी तैयारी हो गई है, खेतों में ऐसे चाय पीते हैं, रखा भी मैं बस 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 भाई लाल भाई तुम लोग अटला 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 गाड़ी अटला हमारे कल्पेश भाई है बोर के ओनर और यहाँ पे उन्होंने चाय बनाई हमारे लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। यहाँ पे बनाई थी चाय। और हमारा खेत है और ये बोरवेल है, फिर से दिखा देता आपको से आखिरी बार बोरवेल। यहाँ पे बोरवेल है, नीचे चाय है, सामने खेत है, इंजॉय ही इंजॉय है हमारे यहाँ। तो गांव में मज़ा है ऐसा कहाँ पर भी मज़ा नहीं है। तो मैं अभी चाय पी रहा हूँ। अब दोस्तों हम जा रहे हैं हमारे कुएं की तरफ, इसको बोलते हो हिंदी में मेरे ख्याल से कुआ ही बोलता क्यों इसको, वेल ओनली वेल बोलते हैं वो इंग्लिश में, कुआ। ये देख रहा हो छोटे छोटे पत्ती जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ये गेहूं की खेती है और ये सबके सब गेहूं है। अभी पहली बार ही इसको पानी डाला था इसलिए भी छोटे छोटे हैं, ये बहुत ही बड़े हो जाएंगे टुंकी समय में, बहुत ही जल्दी ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये सारा का सारा गेहूं का खेत है, बहुत छोटा है, जब बड़ा होता है बहुत कितना अच्छा लगता है आपको, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे बेर का ट्री है, वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। और अभी अरे यार देखकर यहाँ पे जो होता है ना वो कुदरती इंजीनियर है यहाँ पे, वो नेचुरल के इंजीनियर बोलते हैं ना वो, उनका घर है ये सब, उससे हम सुगड़ी बोलते हैं गुजराती में, तो उसके सारे के सारे घर हैं। कितनी कलाकारी के साथ बनाया पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कलाकारी इसमें। तो अब जा रहे हैं हम वहाँ पे नींबू की खेती है, वहाँ पे हमने नींबू लगाए हैं, वो अभी दादा बैठे थे ना उनका ही खेत है, नॉट बच्चा है इधर। हाँ पतला होके जाना पड़ेगा। नहीं मैं तो निकल जाऊँगा, मैं तो पतला ही हूँ। यहाँ पे पानी आ रहा है वो बोरवेल से ही, इसको गुजराती में कुंडी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कुंडी लगा दो सैया, ऐसा नहीं बोलते भाई। अभी तो नींबू नहीं आए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कहीं पर आए होंगे तो दिखाता हूँ आपको। इस नींबू के खेत के बाजू में ये हमारा बेर है, ये वाला बेर का ट्री, और इसमें बेर बहुत सारे आ चुके हैं, अभी दिखा देता हूँ।
शायद दिख जाए आपको, और उसे तोड़कर खा भी लेता हूँ मैं। अरे चुप गया, कोटा लगा। स्वाद किसमें था पता है आपको? उस बेर में नहीं, उस बेर में जो नीचे गिरा हुआ होता है, क्योंकि जैसे जब ये पूरा पक जाता है ना तभी नीचे गिरता है, और उस वजह से इसमें स्वाद बहुत बढ़िया होता है। अभी सारे के सारे मैं कलेक्ट कर लेता, पहले बहुत सारे हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारे हैं, स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। और कट मीठे बेर, आप खाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाए दोस्तों, मज़ेदार है। अरे खाएं कि मैंने शुरू कर दिया खाना। ये है बेर, इंजॉय कर रहा हूँ अभी मैं, मिलते एक अगर वीडियो में।